ये तस्वीरें डराती हैं। ये मंजर किसी का भी दिल दहला सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ। इन दिनों जिसका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। लगातार ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। इतनी पास से इन दरारों को देखकर शायद आप भी सहम जाएं, क्योंकि कब जोशीमठ की धरती धस जाए नहीं कहा जा सकता। अब यही मंजर कर्णप्रयाग का भी देखने को मिल रहा है, जहां घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। ये मंजर बहुत खतरनाक है। कर्णप्रयाग में लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। जोशीमठ में मौजूद इस होटल की दीवार को ही देख लीजिए, कैसे ये एक दूसरे को सहारा दे रही है। बिल्कुल जमीन से होटल हिल चुका है। इस होटल को आज तोड़ा जा रहा है, साथ ही कुछ घर भी। तो आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फर्क, हमारा मोहल्ला हमारे मकान सब टूट गए। अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट, पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे। जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हों। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ध्यान तो दिया नहीं, हमारे तो सारे मकान सब हो गए खराब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में ला कर दोबारा बेचा है, और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है, ये इनके तो द्वारा पंसद देख करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। मकान भी खराब हुआ, ये सामने है, हम कहाँ जाएं। ये राजस्व विभाग क्यों लिए पोती कर रहा, आप ये बस समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है, आप क्यों नहीं होंगे, हम जाएं कहाँ। लोग भी लाचार हैं, चाहे वो जोशीमठ के हों या कर्णप्रयाग के, उनके मकान नहीं बचे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से लोगों को पूरी सहायता दे रही है। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं, जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की, एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में ही कार्रवाई करेंगे। हाल ही में जोशीमठ में भूस्खलन की समस्या पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने सभी से एक टीम के रूप में काम करने और जोशीमठ को बचाने की अपील की है।